सभी का स्वागत है टूटू बायस में। हम गुप्त साम्राज्य के बाद का काल देखेंगे, वह है वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश भी जिसे बोला जाता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में छोटे छोटे राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ था तथा जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था, विकेंद्रीकरण। जब एक मुख्य राजवंश टूट जाए, समझिएगा गुप्त वंश के बाद क्या हुआ। जो गुप्त वंश है इसके पतन, तो गुप्तों के पतन के बाद क्या हुआ, छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। ये छोटे छोटे राजवंश है, छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, इसे राजनीतिक भाषा में बोला जाता है राजनीतिक विकेंद्रीकरण। अर्थात राजनीतिक विकेंद्रीकरण वो रहता है जिसमें छोटे छोटे राजवंश अलग अलग क्षेत्रों पे शासन करते हैं। उत्तर भारत में गुप्तों का शासन था, गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, इसके बाद छोटे छोटे राजवंश आए, राजनीतिक विकेंद्रीकरण हुआ उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत अर्थात उस समय आर्यावर्त बोला जाता था। अगर मैप से समझे थोड़ा सा पॉलिटिकल सेक्शन इसको, तो हमको समझना होगा। फिर एक बार मैप से थोड़ा रफ डायग्राम मैप का बनेगा। इस तरीके से क्या हुआ, उत्तर भारत में ये गुजरात का सेक्शन है, यहाँ पे मैत्रेय आए, गुजरात बोला जाता था बल्लभी। जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, जो गुजरात था काठियावाड़ा, यहाँ पे मैत्रेय राजवंश आया। पुनः एक हिस्सा आपको दिखेगा ये वाला, यहाँ पे जो पंजाब हरियाणा का बेल्ट है, यहाँ पे आपको दिखेगा पुष्यभूति वंश, इसे राज इसे वर्धन वंश भी बोलते हैं। क्या बोलना है, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, ये वाला बेल्ट है, इसके बीच वाला ये जो दिखाई दे रहा है यूपी वाला बेल्ट है, ये करंट में उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे मौखरी राजवंश था, मोखरी वंश, और ये जो बच रहा है आपका मगध वाला इलाका, क्या कहलाता है, मगध, और इस साइड में जो आपका बच रहा है बाकी हिस्से में गोंड राजवंश। ये छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, यही डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है। इन सब को लिखना है छोटा सा एक ब्रीफ में कि कहां कहां पे कौन थे, कहीं मैच करने के लिए दे दिया, जैसे मैत्रेय, मैत्रेय या बल्लवी, इसमें लिखना है गुजरात, फिर बोल रहा है पुष्यभूति वंश, शुरुआत में कहां थे पुष्यभूति, शुरुआत में थे बोलेंगे हरियाणा, इसके बाद मौखरी, मौखरी कहां के थे तो बोलेंगे कन्नौज के मौखरी शासक, अर्थात उत्तर प्रदेश यूपी। मगध में कौन था तो बोलेंगे परिवर्तित गुप्त, जो परिवर्तित गुप्त हैं वह मगध पे शासन करते थे। गोंड कहां के शासक थे, गोंड वंश, तो बोलेंगे बंगाल पे। और ये पूरा डिसेंट्रलाइजेशन है। इन सभी राजवंशों में सबसे महान हुआ पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश, इसने सभी ऑलमोस्ट सभी राजवंशों पे कब्जा किया और एक नया राजवंश का उदय हुआ उत्तर भारत में गुप्त वंश के बाद, उसे बोला जाता है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से। शुरुआत में ये वाला है, यहीं से धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा है वर्धन वंश, चारों दिशाओं में फैल रहे हैं ये, और अंत में यहां तक आ गए हैं गुजरात। ये दिशा है इसका, चारों डायरेक्शन में वर्धन वंश का विजय पताका फहराया। आर्यावर्त का सबसे इंपॉर्टेंट शासक हुआ हर्षवर्धन। तो एक बार देख लेते हैं थोड़ा वर्धन वंश के बारे में।
और उससे पहले भी थोड़ा सा एक और जो ये है आपका, दक्षिण भारत में क्या स्थिति था? दक्षिण में ये हो गया जो आपका यहाँ पे पूरा पे शासन था दक्षिण, ये तो उत्तर भारत का आपने देखा। दक्षिण भारत में दो अहम शासन हुए, राजवंश हुए, एक है चालुक्य और दूसरा ये वाला पूरा बेल्ट है पल्लव का। गुप्तों के पतन के बाद दक्षिण भारत में दो वंश, एक है चालुक्य वंश है और दूसरा क्या बोलेंगे तो पल्लव वंश है। पल्लव कहाँ है? तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। चालुक्य कहाँ पे है? कर्नाटक में, बदामी के चालुक्य और पल्लव कांची के पल्लव। फिलहाल ये समकक्ष हैं सभी आपस में। गुप्त वंश के बाद जो था पुष्यभूति वंश, इसमें लिखना है वर्धन वंश। देखिए वर्धन वंश का संस्थापक कौन है? वर्धन वंश का संस्थापक है बोलेंगे प्रभाकर वर्धन। अर्थात पुष्यभूति, जो पुष्यभूति था प्रभाकर वर्धन, इसी के नाम पे रखा गया था। शुरुआत में राजधानी कहाँ थी? प्रारंभ में राजधानी बोलेंगे, प्रारंभ में जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ? हरियाणा में था उस समय के डेट में। तो थानेश्वर प्रभाकर जो वर्धन है, प्रभाकर वर्धन इसके दो पुत्र हुए हैं, एक बोलेंगे राजवर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र, एक है राजवर्धन दूसरा है अस वर्धन। क्या लिखना है? जो प्रभाकर वर्धन है इन्होंने पुष्यभूति वंश की नींव डाल दी थी। टाइम पीरियड था गुप्त काल के पतन के बाद। जो प्रभाकर वर्धन थे वो शुरुआत में जो गुप्त है, गुप्तों के सामंत थे। एक अलग से आपको जो पढ़ना है इसके बाद वाली क्लास में, वह है सामंत व्यवस्था, इसका मैं बताऊंगा। सामंत छोटे रूप में समझिए जमींदार है। ये सामंत क्या किसी विशेष पार्टिकुलर क्षेत्र में शासन कर रहा है जिसके पास ऑलमोस्ट सभी तरीके की शक्ति है, तो ये इसी के सामंत होते थे। प्रभाकर वर्धन जो थे गुप्तों के सामंत थे, एक पार्टिकुलर क्षेत्र पे शासन कर रहे हैं थानेश्वर पे। धीरे धीरे गुप्त वंश कमजोर होने लगा, गुप्तों के लिए खतरा, सामंतों ने ही उदय, जो सामंत थे इन्होंने ही उदय कर दिया था खतरा। धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, प्रभाकर वर्धन ने एक अलग से वंश की स्थापना कर ली और वह है पुष्यभूति वंश। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र हैं, एक है राजवर्धन है हर्षवर्धन है। राजवर्धन बड़ा पुत्र है और जो हर्षवर्धन है छोटा पुत्र है। ये काफी फेमस हुआ। राजवर्धन की तो हत्या कर दी इसी के समकालीन शासकों ने, इसमें गौड़ शासक था शशांक। तो ये इतना विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वह है हर्षवर्धन। ये इम्पोर्टेंट है, इन्हीं के बारे में क्वेश्चन आता है और पूछा भी जाता है। तो हर्षवर्धन के बारे में देखते हैं कि हर्षवर्धन कौन थे, तो बोलेंगे प्रभाकर वर्धन के दूसरे पुत्र थे। राजवर्धन की जगह जो प्रजा थे, जो मंत्रीगण थे, राजवर्धन की जगह हर्षवर्धन को अपना शासक मानते थे। लेकिन हर्षवर्धन बड़े भाई का सम्मान करता था और राजगद्दी जो था राजवर्धन को मिला। हर्षवर्धन बचा उस राजगद्दी पे बैठने से, लेकिन जैसे ही राजवर्धन की हत्या कर दी गौड़ शासक शशांक, ये शासक है गौड़ शासक है अर्थात बंगाल का शासक, तो उसके बाद शशांक के द्वारा हत्या होने के बाद राजवर्धन की हर्षवर्धन सत्ता पे आया। इसने क्या किया? राजधानी अपना जो थानेश्वर था, थानेश्वर से राजधानी ट्रांसफर कर लिया। कहाँ पे राजधानी ट्रांसफर कर लिया? कन्नौज ट्रांसफर किया। और कन्नौज के जो मोखरी शासक थे, मोखरी शासक को बुरी तरीके से पराजित किया। धीरे धीरे अपना सत्ता का विस्तार करते हुए कामरूप अर्थात असम है, गौड़ बंगाल, बल्लभी गुजरात और सिंध से लेके पंजाब तक हर्षवर्धन ने एक आर्यभट्ट को अपने अंडर मिलाया। तो हमें थोड़ा सा फैक्ट समझ लीजिए कि हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? लिखेंगे कन्नौज। आधा ना है कन्नौज, ऐसे लिखिएगा। कहाँ पे है? करंट में यूपी, ये राजधानी हुआ करती थी। तो कन्नौज ने किसको किसको पराजित किया? कन्नौज ने बल्लभी अभियान किया,
बल्लवी अभियान अर्थात गुजरात विजय किया। पुनः हर्षवर्धन ने मोकरी राजवंशों को हराया, जो मोकरी वंश है इनको परास्त किया। फिर हर्षवर्धन ने गौण शासकों को पराजित किया। हर्षवर्धन ने कलिंग को भी विजयी किया और हर्षवर्धन आगे बढ़ता हुआ सिंध, मालवा, ये पूरा हर्षवर्धन के साम्राज्य के अंदर था। कश्मीर भी था। अंत में हर्षवर्धन का जो युद्ध हुआ है, हर्षवर्धन देखिए जब उत्तर भारत का शासक बन जाता है, आर्वत का शासक बन जाता है, जब मालवा विजय करता है, ये वाला मालवा, मालवा क्या था, नर्मदा वाला इलाका बोलेंगे नर्मदा। जैसे ही मालवा विजय करता है तो नीचे में चालुक्य वंश रहता है, इसके चालुक्य वंश, इसका शासक था पुलकेशिन दूत, पुलकेशिन दूत। देखिए पुलकेशिन दूत है, पुलकेशिन दूत का युद्ध होता है हर्षवर्धन के साथ। एक साइड है चालुक्य वंश, वह है पुलकेशिन दूत, एक साइड है वर्धन वंश हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन वर्सेस पुलकेशिन का युद्ध होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनको लगता है कि पुलकेशिन को लगता है कि ये धीरे धीरे दक्षिण भारत का था, चालुक्य राज्यों पे अटैक करेगा, मालवा को इसने विजय कर लिया था, मालवा को पुलकेशिन अपना मानता था, और हर्षवर्धन को लगता था कि इसका उत्तर भारत का स्वामी बना रहना तभी संभव है जब तक पुलकेशिन दूत को ना हराया जाए। और रिजल्ट ये हुआ कि इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन कौन विजय हुआ इसके बारे में उल्लेख नहीं है। जो पुलकेशिन दूत हैं इसके दरबार में बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहते थे, बोलेंगे रवि कीर्ति। रवि कीर्ति कौन है? कवि हैं। जो पुलकेशिन दूत हैं इनके दरबारी कवि हैं रवि कीर्ति। इन्होंने ऐहोल अभिलेख लिखा है। कौन सा अभिलेख लिखा है? ऐहोल अभिलेख। इस ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन को बताया कि विजय तो ये हुए, लेकिन ऐसा साक्ष नहीं मिला है कि पुलकेशिन दो विजय है, क्योंकि हर्षवर्धन भी जो था बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक था, तो इतना आसान भी नहीं था पुलकेशिन दूत के लिए इसे हराना। तो निर्णायक जो युद्ध था वो एक्चुअली में अनिर्णायक था, कि विजयी कौन हुआ इतिहासकार इसके बारे में बताते नहीं है। फिलहाल आपको याद रखना है कि इतने सारे जो प्रांत हुए या वंश हुए ये हर्षवर्धन के अंदर आते हैं। जो हर्षवर्धन है अंतिम हिंदू आर्वत शासक, अर्थात आर्वत का अंतिम हिंदू शासक है। एक लाइन में लिखेंगे आप, जो आर्वत है, आर्वत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन। तो आर्वत का अंतिम हिंदू सम्राट है हर्षवर्धन। देखिए हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन इन्होंने जो साहित्य की रचना की है, कौन कौन से साहित्य की रचना की है, बोलेंगे रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका, तो साहित्यकार भी था जो हर्षवर्धन था, बहुत बड़े साहित्यकार थे। कौन कौन से नाटक की रचना की है इन्होंने? रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका, इनके नाटक थे। कई पूछ सकता है और पूछता भी है कि नाटक किसके हैं, रत्नावली, नागनंदा या प्रियदर्शिका। अगर नाटक पूछता है तो आपको लिखना है हर्षवर्धन जो थे इन्होंने नाटक की रचना की थी। अब यहाँ पे एक शब्द और आता है, वह है बाणभट्ट। देखिए बाणभट्ट कौन थे? बाणभट्ट जो थे अर्श के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट, ये बाणभट्ट जो है हर्ष के, जो हर्षवर्धन है जिसको हर्ष बोला जाता है, तो हर्ष के दरबारी कवि थे, दरबार में रहते थे, दरबारी कवि।
दरबार में रहने वाला एक कवि कौन था? बाणभट्ट था। बाणभट्ट ने भी लिखा है हर्षचरित, नाटक की रचना की हर्षचरित, और प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका तो इस हर्षवर्धन का है, बाणभट्ट का हर्षचरित और कादंबरी है, कादंबरी और पार्वती पढ़ने। तो बाणभट्ट ने भी काफी सारी साहित्य की रचना की है, ये नाटकों की रचना की है। देखिए बाणभट्ट जो था हर्ष का दरबारी कवि था, हर्षचरित नाटक की रचना की, कादंबरी और पार्वती जैसे परिणय इन्होंने लिखे हैं। बाणभट्ट कभी कभी पूछ लेता है हर्षचरित किसने लिखा है, कादंबरी की रचना किसने की है, ऑनलाइनर क्वेश्चन में यह मिलान करने के लिए भी देता है। तो महत्वपूर्ण कवि में जो प्राचीन काल के हैं वो बाणभट्ट को भी आपको याद रखना है। उधर जो रविकीर्ति थे, अभी बताएं जिसमें पुलकित सिंह दो, इसके दरबारी कवि थे पुलकित सिंह द्वितीय, तो इसके दरबारी कवि थे ये रविकीर्ति और बाणभट्ट, एक दूसरे के समकालीन है। और शासक में पुलकित सिंह और हर्षवर्धन दोनों समकालीन है। तो रविकीर्ति पुलकित सिंह के दरबार में रहते थे। इन्होंने किस नाटक की रचना की है या बोलेंगे क्या लिखा है, तो एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख, ये अभिलेख किसका है? एहोल जगह है कर्नाटक में, बोलेंगे पुलकित सिंह दो का। इसका राइटर कौन है? इसका राइटर है रविकीर्ति। तो कुछ फैक्ट दिख रहा है आपको हर्षवर्धन, इसके बाद देखेंगे हम हर्षवर्धन के समय एक महत्वपूर्ण जो चीनी यात्री था हैनसोंग, वो आया था। घटना जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटना है, वन लाइनर में लिखते चलिए, नोट बनाते चलेंगे आप। हैनसोंग, अब यह हैनसोंग कौन है? बोलेंगे चीनी बौद्ध यात्री। देखिए चीनी बौद्ध यात्री है हैनसोंग, ये जो है आपका हर्षवर्धन के समय आया था। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड क्या है ये भी नोट कर लीजिए कि हर्षवर्धन इसका जो समय है, समय क्या है इसका, 606 से लेकर 647 ईस्वी तक का इसका समय है। इसी में आया था हैनसोंग, जब हैनसोंग आया था चीन से बौद्ध पांडुलिपि प्राप्त करने, तो हर्षवर्धन के समय से दक्षिण भारत भी लिया था पुनः चालुक्य को पल्लव वंश के समय। देखिए हर्षवर्धन जो था हर्ष का चीन के साथ संबंध था, इनके साथ संबंध था, जो राजदूत थे दोनों देशों के राजदूत एक दूसरे के यहाँ रहते थे, एम्बेसडर था। तो राजदूत रहते थे हर्षवर्धन के समय चीनी राजदूत, और इधर हर्षवर्धन के भी जो राजदूत हुआ करते थे वो चीन में थे। तो चीन मतलब चीनी और हर्षवर्धन के बीच में एक व्यापारिक संबंध था, आर्थिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध भी था, व्यापारिक आर्थिक और कल्चरल संबंध चीन के साथ था। हर तरीके के संबंध है, ट्रेड वाला मामला हो, इकोनॉमिक्स का मामला हो, ये कल्चरल मामला हो। इसके साथ साथ जो हैनसोंग था ये क्या था, तो बौद्ध यात्री था, चीन से आया हुआ था, हर्षवर्धन के समय आया था। हर्षवर्धन के समय किस तरीके का समाज था, इकोनॉमिक्स व्यवस्था कैसी थी, सैन्य व्यवस्था कैसी थी, सारी की जानकारी मिलता है। दो महत्वपूर्ण चीनी यात्री को हमेशा आपको याद रखना है, एक है फाहियान, दूसरा है हैनसोंग। फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आया था, और इधर से हैनसोंग जो हर्षवर्धन के काल में आया था। तो ऐसे करके दिखाई देता है काफी सारे चीनी यात्री एक के बाद एक आए थे भारत में यात्रा करने और बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा लेने, पांडुलिपियों को प्राप्त करने के लिए। देखिए हैनसोंग, इसके बाद क्या करना है आपको, एक और फैक्ट लिखना है, नौशासी ताम्रपत्र। नौशासी ताम्रपत्र किसका है? तो नौशासी ताम्रपत्र में हर्षवर्धन का उल्लेख है, हर्षवर्धन का विजय। हर्षवर्धन ने कहाँ कहाँ विजय किया, तो ऑलमोस्ट जो उत्तर भारत है सबका विजय किया, ये कहाँ से पता चलता है? नौशासी ताम्रपत्र से पता चलता है।
जो हर्षवर्धन था, इसको शॉर्ट में हर्ष बोला जाता है, इसके पास बोला जाता है 1 लाख घुड़सवार थे। अब सोचिए, 1 लाख घुड़सवार जो मौर्य थे, उत्तर भारत के शासक, सॉरी पूरा ऑलमोस्ट भारतीय उपमहाद्वीप के शासक थे मौर्य, इनके पास भी 30,000 घुड़सवार था। अगर मौर्य की बात करें तो इतिहासकार बोलता है 30,000 घुड़सवार थे ये, लेकिन हर्ष के पास 1 लाख क्या थे, घुड़सवार थे। तो हर्ष के समय ऐसा क्या था, इतने सारे सैनिक कैसे थे हर्ष के पास, एक विशाल सैनिक थे हर्ष के पास, जिसके कारण से हर्ष क्या था, उत्तर भारत का महान शासक हुआ था और उत्तर भारत को विजय किया था। क्यों? क्योंकि कारण था सामंत। ये जो सामंत थे, अपने अपने हिस्से के क्या करते थे, बोलेंगे अपने अपने हिस्से का जो सैनिक था, तो सामंत क्या रखते थे, सेना रखते थे, प्राइवेट सेना होती थी सामंत की, अपनी अपनी सेना होती थी। ये सारे सैनिक किसको उपलब्ध कराते थे, हर्षवर्धन को उपलब्ध कराते थे। रिजल्ट है, घुड़सवार हो या अश्व सेना हो, जो भी हो, हाथी सेना हो, ये सारा का सारा सामंतों के द्वारा हर्षवर्धन को उपलब्ध कराया जाता था। और हर्षवर्धन जो था, एक विशाल सैनिक के साथ ही कभी युद्ध के लिए जाता था। बाद में यही सामंत खतरा उत्पन्न कर दिए और बड़े बड़े जो साम्राज्य हुआ करते थे, जैसे गुप्त या हर्षवर्धन, इन सब का पतन का कारण यही सामंत व्यवस्था बना। बाद में सामंती व्यवस्था आया, इसका जन्म हुआ। तो जो इकोनॉमिक्स था, वह हर्षवर्धन के समय कैसे बोलेंगे, अगर अर्थव्यवस्था पूछता है कि कैसी थी हर्षवर्धन के समय, तो बोलना है सामंती इकोनॉमिक्स था, एक शब्द, सामंती व स्वावलंबी। ठीक है, सामंती या स्वावलंबी में अर्थात ना तो इंपोर्ट होगा ना तो एक्सपोर्ट होगा, प्रोडक्शन करेंगे और लोकल लेवल पे ही कंजप्शन करेंगे, जो भी होगा वहीं से उपज करेंगे और वहीं पे कंजप्शन भी कर लेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कोई भी सरप्लस नहीं बचता था। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स को हर्षवर्धन के समय, और धर्म भी देखेंगे थोड़ा। देखिए स्वावलंबी, स्वावलंबी इकोनॉमिक्स, या फिर बोले हैं सामंती, एक शब्द आ रहा है सामंती इकोनॉमिक्स। ये किसके समय है, अर्थव्यवस्था, स्वावलंबी इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था या सामंती अर्थव्यवस्था, हर्षवर्धन के समय था। इसमें क्या होता है, तो बोलेंगे जो आयात है या निर्यात नहीं होते, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होती है, ना तो इंपोर्ट होते हैं ना तो एक्सपोर्ट होते हैं, प्लस क्या रहता है, सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमिक्स रहता है, जो भी होता है लोकल लेवल पे स्थानीय रूप में ही प्रोडक्शन होता है, स्थानीय उत्पादन होता है और उपभोग, और किस तरीके से सिस्टम चलता है ये सब, तो बोलेंगे एक्सचेंज से, विनिमय माध्यम से। अर्थात मान लेता हूं कोई दाल दे दे और बदले में चीनी प्राप्त कर ले, या कोई चीनी दे या दाल ले ले, क्या बोलना है, कोई दाल दे दे कोई चीनी दे दे, ये दाल के बदले चीनी प्राप्त हो जाए, एक दूसरे से एक्सचेंज कर ले रहे हैं, यही आपकी आत्मनिर्भर इकोनॉमिक्स है, ये एक तरीके की सामंती इकोनॉमिक्स है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होते हैं। अब एक बार धर्म देख लेते हैं और इसमें क्या जाएंगे, अगर इकोनॉमिक्स में जाना होगा तो बोलेंगे जब इस तरीके की प्रणाली रहती है तो मुद्रा का पतन होता है, मुद्रा व्यवस्था, अगर मुद्रा व्यवस्था का पतन होता है तो उस समय क्या थे, तो व्यापारियों का जो ग्रुप होता था, समूह होता था, वो भी व्यापारिक पतन, अर्थात बोलेंगे व्यापारिक प्रतिष्ठानों का, नगरों का पतन हुआ। जो शहर रहते हैं हमेशा इकोनॉमिक्स का इंजन रहते हैं, इकोनॉमिक्स को बढ़ाने में शहर का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, अगर नगरों का पतन होता है तो व्यापार का पतन हो जाता है, व्यापार का पतन हो जाता है तो धीरे धीरे वो समाज क्या है, एग्रीकल्चर की ओर मूव कर जाती है, रूढ़वादी समाज हो जाती है। और इसी समय ऐसा हुआ, मुद्रा व्यवस्था का पतन हुआ, नगरों का पतन हुआ, व्यापारिक संस्थानों का पतन हुआ, जो व्यापारिक ग्रुप थे उनका भी पतन हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे थे वो सब बंद हो गए, एक तरीके से क्लोज इकोनॉमिक्स हो गया हर्षवर्धन के बाद के समय, या हर्षवर्धन के समय ही जो स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली में सब गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही प्रारंभ हो चुका था। जो गुप्त थे उनके लिए सामंतों ने समस्या खड़ा कर दी, और जो गुप्त साम्राज्य के पतन का अहम योगदान था वही सामंत थे, बाद में सामंत छोटे लेवल पे अपनी व्यवस्था बनाने लगे। देखिए धर्म क्या था, कि उस समय बौद्ध धर्म का संरक्षण मिला था, तो बौद्ध धर्म को तो हर्षवर्धन ने संरक्षण दिया,
साथ में ब्राह्मण धर्म का भी क्या था, ब्राह्मणवादी धर्म का विस्तार हुआ। तो बौद्ध धर्म का संरक्षण देने के बाद ही बौद्ध धर्म का हर्षवर्धन के काल में पतन हुआ, ब्राह्मणवादी धर्म का विस्तार हुआ, ऐसे लिखना है धर्म के। अब सवाल है कि महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो महिलाओं की स्थिति इस तरीके की समाज में, जब सामंती समाज हो, सामंती इकोनॉमिक्स हो, तो महिलाओं की स्थिति क्या थी वो भी खराब होती है। तो यही था आपका ओवरऑल। खाली आपको हर्षवर्धन के बारे में याद रखना है, वर्धन वंश के बारे में याद रखना है कि हर्षवर्धन पूरा उत्तर भारत में जो आर्यवर्त बोला जाता था उसका सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ, और इसके बाद ही मध्यकाल का प्रारंभ होता है। तो हर्षवर्धन के पतन के साथ ही मध्यकाल प्रारंभ हो जाता है, आपका प्राचीन काल समाप्त हो जाता है। प्राचीन काल, तो ऑलमोस्ट प्राचीन काल के सारे वीडियो मिल गए हैं। अब इसमें जो बच जा रहा है एक लास्ट टॉपिक जिसको बता दूंगा मैं आपको, वह है सामंती समाज, सामंती इकोनॉमिक्स, इसको फिर से एक बार देख लेंगे अलग से वीडियो में। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए टू डू वाइस के साथ।